शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पठान अपनी रिलीज के 42 दिन बाद भी बड़ी कमाई कर रही है। पठान अब तक 1026 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बाहुबली जैसी फिल्म को पछाड़ चुकी है। शाहरुख खान की वापसी के साथ ही पठान ने बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला भी तोड़ दिया है। 6 हफ्ते बाद भी पठान बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। जहां पठान की रिलीज के कुछ महीने पहले बायकॉट पठान के ट्रेंड होने से फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ना चलने का डर था, तो वहीं पठान ने यह साफ कर दिया है कि इस बार हर रिकॉर्ड टूट कर रहेगा। पठान ने बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शाहरुख खान की पिछली कई फिल्में फ्लॉप रही हैं। इसके बाद शाहरुख खान का बॉलीवुड करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पठान ने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। 25 जनवरी को रिलीज हुई ये एक्शन फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे बड़ी हिंदी ओपनर साबित हुई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।